कॉलरिज का ही कथन है ऐसा। तो इन्होंने जो काव्य सिद्धांत की स्थापना की है अपने, वो तत्व चिंतन के आधार पर की है जी। और साथ में इनका ये मानना है कि जो एक अच्छा कवि होता है और वो जो कविता को जब व्यक्त करता है तो भाषा की कला जो है वो प्रमुखतया इन्होंने मानी है। और साथ ही साथ जो हम काव्य हेतु पढ़ते हैं तो उसमें भी इन्होंने कहा है कवि के लिए प्रतिभा संपन्न होना आवश्यक होता है। इसके अलावा इन्होंने भावुकता या विचारों की गहराई को, भाव आवेग को, विवेक को, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो कवि होता है उसमें जो इतिहास का ज्ञान है और प्रकृति का ज्ञान है ये आवश्यक है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति वर्णन कर रहा है या किसी भी बात को स्पष्ट कर रहा है तो अपनी जो रुचि है, व्यक्तिगत रुचि, उसको अन्य विषय से अलग रखना पड़ेगा, ये इनका मानना है जी सर। तो ये कुछ चीजें इन्होंने जो कवि होता है उनको लेकर कही हैं कि जिसमें श्रद्धा नहीं होती वो पागल होता है और इतिहास का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान जरूरी है जी सर। जैसे अभी सर ने बताया था कि ये शास्त्रीय वो है ना, शास्त्रीय के आधार पर ये काव्य रचना करते हैं, तो ये इन्होंने कहा भी है कि वेदना की महिमा के कारण ही कोई उत्तम काव्य बार बार पढ़ने पर भी निरस नहीं लगता, क्योंकि उससे हर बार नई छटा की, नए सौंदर्य की प्रतीति होती रहती है। किसके कारण? वेदना के कारण। तो ये अपने इसको इनको मान सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो सौंदर्य भावना होती है उसके बारे में ये कहा है कि जो सौंदर्य भावना होती है वो अंतः प्रेरित होती है ना। और इसके अलावा उन्होंने वो कहा था कि जो एक जेवादी सिद्धांत की बात होती है कि कुलिन ने जेवादी सिद्धांत है ना, वो उसकी स्थापना की थी। तो जेवादी सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है हम लोग कैसे? इसके बारे में तो अभी ध्यान में नहीं इसके है अंदर जेवादी सिद्धांत क्या है, कॉलेज का ऑर्गेनिक थ्योरी? जयवादी सिद्धांत है वो उसका उसके संदर्भ में है, कल्पना और ललित कल्पना के संदर्भ में। नहीं, वो तो किसी के संबंध में हो लेकिन इन इन से संबंधित है मान लो, तो इसको अपने कैसे, इसकी आप कैसे बताओगे? अच्छा, जयवादी जयवादी सिद्धांत में सर ये होता आप बोलिए। है, जयवादी सिद्धांत में ये होता है कि कोई भी दो पहले दो तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर एक नया तत्व बन जाते हैं, दूसरे में इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे पानी में नमक की तरह या शक्कर की तरह घुल जाते हैं, तो उनको वापस मतलब पृथक रूप से हम नहीं देख सकते। और यांत्रिक सिद्धांत वो होता है जिसमें कि मशीन की तरह कलपुर्जे होते हैं, उसमें सबका अलग अलग अस्तित्व होता है लेकिन सब मिलकर एक तत्व बनाते हैं और उनको आसानी से पृथक भी किया जा सकता है। ये सिद्धांत कॉलरिज ने अपने कल्पना में दिया था, उसने कल्पना और गौण कल्पना में तो दैविक सिद्धांत की परिकल्पना की और जो फैंसी या ललित कल्पना बोलते हैं उसको यांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा, मतलब ये कल्पना से एक पृथक वस्तु है। मतलब वो जैसे मनुष्य का जो शरीर है, एक बार उसका उदाहरण दिया था कॉलेज ने कि जैसे मनुष्य का शरीर होता है, उसके हाथ पैर पीठ ये आंख कान ये सभी अंग है ना, मतलब साथ साथ उत्पन्न होते हैं ना कि अलग अलग होते हैं, ऐसा क्या? नहीं सर, वो रासायनिक मिश्रण का जैसे बायोलॉजी वालों को पता होगा, कोई दो तत्व मिलाते हैं तो एक तीसरा तत्व बनता है, वो जैविक या बायोलॉजिकल थ्योरी कह सकते हो हाँ, बायोलॉजिकल थ्योरी तो ये होती है ना कि जैसे वो बीज हो गया, बीज से वो तना बन गया, फिर टहनिया, फिर पत्ते ऐसे साथ निकलते रहते हैं, वो रस ग्रहण करते रहते हैं, फिर वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो जयवादी नहीं सिद्धांत नहीं की सर, अपने इसी तरह से मान सकते हैं। नहीं नहीं सर, इसमें जैसे दो कोई भी रासायनिक चीजें ले ली, जैसे हम ये नमक और पानी वाला उदाहरण सबसे वो कि दो अलग अलग चीजें हो गई, पानी अलग है नमक अलग है, अब दोनों को मिक्स किया तो एक नमक और पानी एक दूसरे से इतनी तरह से घुल मिल गया कि उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह गया,
और एक मतलब एक नया ही तत्व बन रहा है, तो वो जैविक या रासायनिक मिश्रण हो गया। और यांत्रिक मिश्रण तो एकदम मशीनों की तरह है, उसमें हर हर जो कल्पुर्जे होते हैं उनका अलग अस्तित्व रहता है। तो ऐसे हाँ ललित तो कल्पना होगा ना, जैसे मानव शरीर से ले लिया मैंने, या वो पेड़ वाला उदाहरण जैसे, ये भी इसमें होता है, ये जैव सिद्धांत के अंदर ही आता है। और आपने जो वो लिया है रासायनिक वाला, तो वो उसको तो वो तो दोनों जैसे क्रिया करेंगे तो उससे वो तीसरे तत्व का निर्माण होगा, ऐसे ना। जी सर, यांत्रिकता का उदाहरण अलग है, जैसे यांत्रिकता का जैसे अपने मोटरसाइकिल है उसका जो निर्माण होता है, उसके पहिए अलग होते हैं, उसका इंजन अलग होता है, हॉर्न अलग होता है, फिर उनको साथ करके उस मोटरसाइकिल का वो मशीन से उसको फिट कर देते हैं, वो चीज अलग है, वो यांत्रिकता के अंदर आती है ना। जी सर, सर और ये जो यांत्रिकता है इसको लेकर ये कहते हैं कि जीवन जो है उसमें अगर कोई यांत्रिक अनुकरण करते हैं या प्रकृति का अनुकरण करते हैं ना, वो एक तरह से प्रकृति की चोरी होती है। और आगे इनका ये मानना है कि कल्पना जो होती है वही एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार के निर्जीव में भी प्राणों का संचार कर सकती है, और जिस कारण जो ये क्या कहते हैं कि कार्य का अनुकरण नहीं होकर के वो फिर पुनर्निर्माण हो जाता है। तो इसमें भी इन्होंने कल्पना को ही यहाँ पर महत्व दिया, जैसे एक तो इन्होंने बताया पूर्व कल्पना और एक ललित कल्पना। तो जो ललित कल्पना है इसका संबंध इन्होंने माना है जो एकदम से ये होते हैं अपने, जिसको प्रकृति से संबंधित हम जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, नहीं तो ये तो कल्पना ही बात कर रहे हो आप। अगर मैं अपने ऐसे प्रश्न पर करें कि कोलरिज के अनुसार काव्य क्या है, तो क्या बताओगे आप? सर जैसे आप इनमें वो जैविक और यांत्रिक की बात कर रहे थे ना, तो यांत्रिक को ये मानते हैं कि वो प्रकृति की चोरी है एक तरह से, ये इन्होंने माना है कि अगर कल्पना नहीं है तो कल्पना के अभाव में जब कोई कलाकार जो है वो अपने दिमाग में कुछ सक्रियता नहीं लेकर आ पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एकदम से यांत्रिक हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और कल्पना ही एक ऐसी शक्ति है जो उसमें प्राण संचार करती है, उसमें जान डालती है, और वो जो कार्य होगा कल्पना के आधार पर वो प्रकृति का अनुकरण या यांत्रिक नहीं होगा, वो चोरी नहीं होगी, वो उसका पुनर्निर्माण होगा। ये बातें उन्हीं दोनों सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो यांत्रिकता के ये खिलाफ होते हैं, ये कहते हैं ये तो चोरी है एक तरह से, और उसी को ही क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। लेकिन कोलरिज का कल्पना सिद्धांत ये कहता है कि कल्पना का इतना महत्व है जिसमें कल्पना के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति जो होता है उस कल्पना शक्ति से मृत में प्राण डाल सकता है, उसमें सजीवता ला सकता है, और वो जो काम होगा कल्पना के सहयोग से वो फिर अनुकरण नहीं होगा, उसको हम पुनर्निर्माण कहेंगे। जी जी हाँ, वो तो काव्य कल्पना और यांत्रिकता और जैववादी सिद्धांत की जो मुख्य जो अंतर था वो आपने बात कर ली है, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि काव्य कोलरिज का आंसर क्या, काव्य क्या है? रविंद्र सर आप बताओ। जी सर, नमस्ते। के हिसाब से हम देखें तो काव्य को आप वास्तविक या अवास्तविक नहीं मान सकते, यानी कि काव्य का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, और कवि और कविता में भी कोई अंतर नहीं होता है। तो फिर काव्य क्या है? तो ये कोलरिज जो कहते हैं कि वह काव्य वही है कि जिसमें कवि वास्तविक चीज को तो कल्पना के मिश्रण से अवास्तविक बना दे, अवास्तविक चीज को तर्क के माध्यम से वास्तविक बना दे, तो वो दोनों चीजें फिर जो है काव्य हो जाएगी, यानी कि उसमें स्वयं का कुछ मिश्रण करे वो। जी सर। अच्छा, नहीं तो क्या कोलरिज ने ऐसे मतलब इस प्रकार का कथन कहा है कि कवि उत्पन्न होते हैं, निर्मित नहीं होते? कोलरिज ने ये जरूर कहा है कि कवि और कविता में कोई अंतर नहीं होता, वो तो पता नहीं आप जो कह रहे हो तो। अच्छा, बाकी उसको निर्वैयक्तिक तो रहना चाहिए, और उसी हिसाब से अपनी जो निजी रुचियां है उसको अलग रखे वो, तो वो जरूर है। हाँ, जो निजी अनुभूतियां होती है या जो निजी आप रुचियां बता रहे हो या निजी विषय, उनको दूर रखना चाहिए कवि को, ये कोलरिज कहते हैं, ठीक है। और
इसके अलावा वो कहते हैं कि काव्य समस्त मानव ज्ञान विचार भाव मनोवेग और भाषा का पुष्प और सुरभ है, ये कॉलेज कहते हैं। और एक काव्य की जो संपूर्णता की विषय में कहते हैं कि काव्य सबसे अधिक सुंदर, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्य समझ में आता है, पूर्णता देने पूरा नहीं आता। इस प्रकार के कथन ने कॉलेज ने कहा है कि काव्य अगर पूरा समझ में आ गया तो वो आनंद नहीं देगा, आधा या कुछ मतलब सामान्य समझ में आ गया तभी वो आनंद देगा, ये भी इस प्रकार का उन्होंने कहा है। और आगे आपने जैसे बताया था कि कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब हम यही मान सकते हैं कि कवि उसमें पूरी तरह से इस तरह से घुल मिल जाता है कि दोनों में कोई अंतर रह ही नहीं पाता। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा है कि भाई अलग भी है, लेकिन शुरू में तो उन्होंने यही कहा है कि कवि और कविता में कोई अंतर नहीं होता, और फिर बाद में थोड़ा निर्व्यक्तिकता का भी वो शामिल कर लेते हैं कि भाई कवि को थोड़ा निर्व्यक्तिक होना चाहिए। अब वो तो सर मुझे सही तरीके से पता नहीं है कि उनका इस तरह का मत क्या था। अच्छा। और कॉलेज ने प्रतिभा के बारे में क्या कहा? जैसे प्रतिभा और प्रज्ञा में कॉलेज ने क्या अंतर बताया? सर इन्होंने कहा है कि प्रतिभा जो होती है ना वो जन्मजात होती है, जबकि प्रज्ञा जो होती है उसको अर्जित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और प्रतिभा को ये कल्पना से एकदम से ये मानते हैं कि प्रतिभा जो है वही कल्पना है, ये कहते हैं इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, जबकि प्रज्ञा जो होती है उसको ये मानते हैं कि वो एक प्रकार से रमणीय कल्पना है। अच्छा। तो आगे ये कहते हैं कि प्रतिभा में सृजनशीलता होती है, अर्थात निर्माण की क्षमता होती है, और प्रज्ञा होती है वो क्या करती है? सृजन करती है, मतलब जो स्वतंत्र वस्तुएं हैं उनको एक साथ प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो प्रज्ञा में होती है, और प्रतिभा वो आत्मनिर्भर होती है, मतलब उसको निर्माण के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, और जो प्रज्ञा होती है वो दूसरे के ज्ञान को अपना कर उसका प्रयोग करती है। और इसको अगर अपने दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिभा मौलिक होती है और प्रज्ञा पराश्रित होती है। तो ये चार, इसमें आपने दो बताए थे, आपने दो मैंने बता दिए, चार मुख्य अंतर कॉलेज ने बताए हैं, प्रतिभा और प्रज्ञा। प्रतिभा को जीनियस अपने अंग्रेजी में कहते हैं, प्रज्ञा को टैलेंट कहते हैं, कि टैलेंट वो प्रज्ञा होती है। ठीक है, एक और लिखा हुआ है कि कवि पाठक और संप्रेषण तीनों ही अनुभूति के तादात्म्य में बाधक है, इसका क्या अर्थ हुआ? कवि पाठक और संप्रेषण तीनों ही अनुभूति के तादात्म्य में बाधक है। आप ही बताओ सर, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया है। आप नहीं पता चालू इसको पढ़ा हुआ, तब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई अगर आपने इस बारे में पढ़ रखा है, ये बाधक कैसे हुए? कवि पाठक और संप्रेषण तीनों ही अनुभूति के तातम्य में बाधक है। मैडम आपको पता है इसके बारे में? नहीं सर, इस पे विचार नहीं किया, अगर विचार करें तो शायद कुछ स्पष्ट भी कर पाए। अच्छा, तो इसमें जैसे इस किताब में लिखा हुआ है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, फिर अपने इसको आप समझा देना जैसे भी, कि कॉलेज कहते हैं कि कवि की अनुभूति के साथ पाठक की अनुभूति का तादात्म्य क्या समग्रता संभव है? दो व्यक्तियों के संस्कार, परिवेश, संवेदनशीलता आदि में भेद के कारण उनकी अनुभूति का स्तर एक हो ही नहीं सकता, अतः जितने अंश में अनुभूति का तादात्म्य होगा आनंद उतना ही प्राप्त होगा। दूसरे, कवि के लिए अपनी अनुभूति का पूर्ण संप्रेषण भी
असत्य है, दूसरे कवि के लिए अपनी अनुभूति का पूर्ण संप्रेषण असत्य है, क्योंकि भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह अनुभूति को यथावत अभिव्यक्त कर सके। तो ये इसके कारण है, ये जब तभी ये लाइन इन्होंने लिखी है कि कवि पाठक और संप्रेषण तीनों ही अनुभूति के तारतम्य में बाधक है, ये लिखा इन्होंने। अब मैं कुछ बता सकती हूँ, जैसे हाँ अब आप बताओ। कवि का कहा, एक पाठक का और एक संप्रेषण। संप्रेषण जो हो गया वो जो हम अभिव्यक्त करते हैं, पाठक जो किसी रचनाकार या कवि ने लिखा है उसको पढ़ने वाला हो गया, और एक कवि हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कवि की बात करें तो कवि जिस अनुभूति से या जिस कल्पना से जो रचना कर रहा है तो इनके अनुसार ये है कि वही बात पाठक तक ठीक उसी ढंग में पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। या दूसरी बात ये कि जिस अनुभूति को या जिस जिन भावों को जिस कल्पना को कवि अपने आप में स्वतः अनुभूत कर रहा है वही अनुभूति पाठक कर पाए, तो ऐसा यहाँ पे इस वजह से इन्होंने कहा होगा कि ये जो है तादात में जो है वो नहीं हो पा रहा है कवि पाठक और संप्रेषण का, यानी जो जिस अनुभूति को कवि कर रहा है अनुभूत कर रहा है उसी ढंग से पाठक नहीं कर पाता है, या जो हम संप्रेषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भाव जो है वहां पहुंचते पहुंचते वही भाव नहीं रह पाते। बाकी रविंद्र जी सर बताएंगे। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है इसको, अब तो कोई नया प्रश्न, संख्या भी कमी है अपन तीन ही है। स्वामी जी सर फिर या समय बदलाव का एक यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, या मैं डाल देती हूँ इसमें तो हो सकता है सभी, क्योंकि ठंड का समय है तो महिलाओं के तो काम ही नहीं हो पाता, तो 1 बजे से चर्चा कर लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, कर दीजिए मैडम इसको। आज चर्चा तो हमने कर ली है।